नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य। तो चलिए रुख करते हैं इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम हरियाणा पंजाब का, जहां इस बुलेटिन में हम बात करेंगे हरियाणा पंजाब की तमाम बड़ी खबरों की। लेकिन सबसे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गुरुवार को गुरुग्राम पहुंचे, जहां उन्होंने मानेसर में स्वामित्व योजना के तहत लाल डोरा इलाके के लोगों को उनकी प्रॉपर्टी का सर्टिफिकेट और कन्वेंस डीड वितरित किया। साथ ही स्थानीय निकाय की दुकानों पर 20 साल से ज्यादा से काबिज व्यापारियों को भी उन दुकानों का मालिकाना हक दिया। तो वहीं मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम के विकास से जुड़ी 268 करोड़ की 37 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। इस दौरान सीएम सैनी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज खुशी हो रही है, जैसा बताया भी गया है कि ये लंबे समय से लोग इस बात को लेकर के पीड़ित थे, लाल डोरा की समस्या को लेकर के या लंबे समय से शहरी क्षेत्र में जो लोग दुकान के ऊपर बैठे थे वो उनका मालिकाना हक नहीं था और कहीं तो लिटिगेशन के अंदर थे, कोर्ट के अंदर केस चल रहे थे और इस कारण से लोगों के अंदर इस बात का भय रहता था भाई कभी हमारे पास से कभी छूट ना जाए, और उसको लेकर के एक भय का वातावरण लोगों के अंदर बना हुआ था। और जो हम लाल डोरा की जमीन की गांव के अंदर बात करते हैं, लाल डोरा के अंदर वहां पर भी व्यक्ति को मालिकाना हक नहीं था, ना तो वो उसके ऊपर उसके पास रजिस्ट्री थी और ना वो बैंक में उसको रख करके कुछ पैसा ले सकता था और ना ही उसको बेच सकता था। वो इस प्रकार का लोगों के सामने समस्या थी, परंतु इस समस्या का समाधान ये हमारी सरकार ने किया है। जो लाल डोरा से ये मुक्त करने का निर्णय ये हमारी सरकार ने लिया है, मुझे खुशी है। ये बताते हुए जब 2019 का चुनाव था, उस 2019 के चुनाव के अंदर हमने अपने मैनिफेस्टो के अंदर लिखा था कि हमारी ये सरकार आएगी और लोगों को लाल डोरा से मुक्त करेगी, और जो लंबे समय से एक पॉलिसी बनाई गई कि जो 20 वर्ष से ज्यादा लोग किसी दुकान के ऊपर बैठे हैं उनको भी मालिकाना हक वो दिया जाएगा, आज उसका दिन आप लोगों के बीच में आया है। मैं पूरे आप सबको इस अवसर के ऊपर बधाई भी देता हूं और हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से जुड़े हुए हमारे सभी जो लाभार्थी बेनिफिशरीज है उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज मुझे खुशी है कि ये स्वामित्व पत्र उन संपत्तियों के लिए दिए गए हैं जिनका राजस्व अधिकारियों द्वारा पारंपरिक रूप से अधिकार का रिकॉर्ड नहीं रखा गया था। यह भूमि ये खसरा नंबर में भी नहीं थी, ये खसरा नंबर से बाहर थी, दे आबादी के अंदर ये भूमि, और आमतौर पर फिरनी के अंदर ये लाल डोरा की जमीन होती थी और इसको गांव को हमने लाल डोरा मुक्त करने का ये निर्णय लिया है। मैं बताना चाहूंगा कि 2000 जैसा मैंने बताया है कि 2019 के चुनावों के अंदर ये निर्णय पार्टी का था और पार्टी ने यह निर्णय लिया कि ये मालिकाना हक हम देंगे, और आज मुझे ये खुशी है बताते हुए कि इसका हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 2.5 लाख लोगों को आज इसका लाभ मिलने वाला है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर है चाहे वो शहरी क्षेत्र के अंदर है। उनके मन में जो एक डर रहता था और ये डर उनके मन में ये खलता रहता था कि कहीं ये दुकान मेरे से छूट ना जाए, क्योंकि ये कोर्ट के अंदर लिटिगेशन के अंदर केस चलते थे और उसके कारण उसके ऊपर ये
अपना हक नहीं मान सकता था, आपको उस दुकान से आज कोई नहीं हटा सकता। आप अब किराएदार नहीं, आज से आप उसके मालिक बन गए हैं। ये निर्णय हमारी सरकार ने ये लिया है। मुझे ये खुशी है कि एक व्यापारी के लिए उसकी दुकान केवल रोजगार का साधन नहीं होती है, ये पीढ़ियों से की मेहनत और उसके बाप दादाओं की वो इज्जत होती है, जिसके ऊपर बैठ करके वो अपने परिवार का वो पालन पोषण करता है। लोग सालों लगा देते हैं अपनी दुकान को, अपने व्यापार को जमाने में, और उस पर दुकान खाली करने का जो डर वो बना रहे, या हर समय सरकार के अधिकारी की तलवार लटकी रहे, ये कैसा उनको एक अलग लगता था, और जिससे उस समस्या को मैं जानता हूं। तो वहीं रुक करते हैं अगली खबर का, जहां हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए इनेलो और बसपा ने गठबंधन कर लिया है। चंडीगढ़ में गठजोड़ का ऐलान करते हुए बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश ने कहा कि विधानसभा चुनाव में 37 सीट पर बसपा चुनाव लड़ेगी और 53 सीट पर इनेलो चुनाव लड़ेगी। बसपा इनेलो गठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा अब है चौटाला होंगे। तो आपको बता दें कि चंडीगढ़ में इस गठबंधन का ऐलान किया गया। आज पूर्ण रूप से काबिज हो चुके, आज देश केवल 2-3 लोगों के हाथ में चला गया, अंबानी जी के, अडानी जी के, जिन्होंने इस देश को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब नए सिरे से कैसे इस देश को इनके चुंगल से बचाया जाए, इसके लिए क्योंकि अभी 4-5 जगह स्टेटों में अलग अलग चुनाव हैं, अलग अलग चुनाव है अलग अलग प्रदेश में, तो हमने हरियाणा के अंदर आपस में मिलकर के विधानसभा का चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि हम इस विधानसभा के चुनाव के अंदर लोगों की इच्छा के अनुरूप, आज आम आदमी की भावना है कि भारतीय जनता पार्टी जो 10 साल से इस प्रदेश को लूटती है उसको सत्ता से बाहर किया जाए, और कांग्रेस पार्टी जिसने पहले 10 साल इस प्रदेश को लूटने का काम किया है उसको सत्ता से दूर रखा जाए। इसलिए हमने आपस में यह फैसला किया कि ना केवल बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी दोनों मिलकर के विधानसभा का चुनाव लड़े, बल्कि और अन्य जो हरियाणा के अंदर जिन्होंने अपने अपने राजनीतिक दल बना रखे हैं, जो भाजपा और कांग्रेस दोनों के अगेंस्ट है, दोनों के खिलाफ है, हम उन लोगों को भी अपने साथ लेकर के एक फ्रंट खड़ा करेंगे जिसमें लोगों का और ज्यादा विश्वास बढ़ेगा और आने वाले समय में गठबंधन की सरकार इस प्रदेश के अंदर बनेगी, इस बात का मुझे पूर्ण विश्वास और भरोसा है। उन्होंने जेजेपी को भी वोट डाल के देखा, उन्होंने कांग्रेस को भी वोट डाल के देखा और भाजपा को भी वोट डाल के देखा। अब तीनों ने सत्ता चलाई है, सरकार चलाई है काफी लंबे समय तक, और अगर आप गांव-गांव में घूमेंगे और लोगों से बातचीत करेंगे तो आपको मालूम होगा कि किस तरह यहाँ पे लोगों में कितना गुस्सा और कितना आक्रोश है कि किस तरह उनकी बातें नहीं सुनी गई, किस तरह उनके लिए काम नहीं किया गया। जैसा चौटाला जी ने बताया, अभय चौटाला जी ने बताया है कि यहाँ पे सरकारों में कितनी कमियां रही हैं, तो उन्हीं मुद्दों को लेके हमें लगता है कि गठबंधन की सरकार यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट दे पाएगी। जी देखिए, जैसे आपको पहले बताया था, नहीं देखिए बिल्कुल पहले आपको जैसे बताया था कि जो गठबंधन जाता है वो दो फैमिलीज का एक रिश्ता होता है, जो राजनीतिक दलों का एक रिश्ता होता है, जब कोई चीज कंफ्यूजन में रहती है या कोई कंसर्न आती है तो वो आपस में बात करके ही डिसीजन लिया जाता है, तो पहले भी आपस में बात करके डिसीजन लिया था, पर इस बार हमें पूरा भरोसा है, पूरा कॉन्फिडेंस है कि इस बार हम ना ही सारी
खाली सर चुनाव लड़ेंगे बट जबकि सरकार भी बनाएंगे जी। और कांग्रेस देखे कि उनका क्या काम है पिछले 5 सालों में, जब वो केंद्र की सरकार में रह के भी सरकार नहीं बना पा रहे, केंद्र में भी वो सरकार नहीं बना पा रहे, तो वो उनकी कमियां है, अपनी उनकी कमियां दूसरी पार्टियों और दूसरी राजनीतिक दलों पे डालना, ये तो हम भी पलट के बोल सकते हैं कि तुम बीजेपी की बी टीम हो और तभी तुम हम लोग राजनीतिक जो रीजनल पार्टी है उनको। तो वहीं हरियाणा में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, चुनाव से पहले नेताओं का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का सिलसिला भी जारी है। इसी कड़ी में भाजपा की प्रदेश महामंत्री डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर जमकर हमला बोला, क्या कुछ उन्होंने कहा आइए सुनते हैं। कि भारत की सेना जो है वो युवा सेना हो, अग्निवीर योजना के आने से पहले भारत की सेना की जो औसतन एज थी वो 32 थी और अग्निवीर आने के बाद भारत की सेना की जो औसतन एज है वो 26 हो जाती है। अगर हम ब्रिटेन की देखें, अगर हम यूएसए की देखें, तो सभी देशों की सेनाओं की जो औसतन एज है वो 32 से काफ़ी कम है। सेना युवा हो, सेना में जो शूरवीर हैं वो आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी से अच्छी तरीके से जानकारी रखते हों, क्योंकि आजकल जैसे कि हम सबको पता है कि युद्ध में जितने हथियार भी यूज हो रहे हैं उनमें डिजिटलाइजेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से उन हथियारों का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। सैनिक हमें चाहिए जो युवा हों और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से अच्छी तरीके से जानकारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की रखते हो। 10वीं करने के बाद 12वीं करने के बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बहुत और जिनकी पढ़ने में हो सकता है रुचि हो, जिनकी हो सकता है पढ़ने में ना रुचि हो, बहुत सारे हरियाणा जो है वीरों के लेगा तो उसको 10 लाख रुपए जो है वो मिल जाते हैं। और इन 4 सालों में ज्वाइन करने से पहले उनकी जैसे हमारी किसी भी सेना की ट्रेनिंग होती है उस तरीके से पूरी ट्रेनिंग इन बच्चों की करी जाती है, इन बच्चों को इतना सशक्त बनाया जाता है कि वो सारी की सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को समझें, किस तरीके से उन्होंने हथियारों को चलाना है, कैसे सेना के अनुशासन की पालना करनी है, उन सब चीज़ों को भी ये बच्चे साथ साथ समझते हैं। और जब 4 साल पूरे हो जाते हैं इन बच्चों के तो उसके बाद 25% बच्चे सेना ही उन बच्चों को जो है वो रख लेती है, चाहे वो जल सेना हो, चाहे थल सेना हो, चाहे नौसेना हो, 25% बच्चे वहीं पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और उसके अलावा भी बाकी उसके अलावा भी चाहे हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री है, चाहे एविएशन मिनिस्ट्री है, और चाहे हमारे बॉर्डर BSF है, चाहे हमारा CRPF है, कुछ बच्चों के लिए वहाँ पर भी उसके बाद रिजर्वेशंस करी गई है। और अगर कोई कैजुअलिटी हो जाती है किसी वजह से, बच्चा अगर मान लो 4 साल जॉब कर रहा है और 4 साल में कोई बच्चे के साथ कैजुअलिटी हो जाती है, किसी वजह से बच्चे की डेथ हो जाती है, तो 48 लाख रुपए जो है सरकार उनके परिवार को देती है। और अगर युद्ध में कैजुअलिटी हो जाती है, एक होता है कि वैसे डेथ होगी किसी और कारण से, लेकिन अगर युद्ध में उनकी डेथ हो जाती है तो 48 + 44। तो वहीं हरियाणा सरपंच एसोसिएशन ने रोहतक में बैठक आयोजित की और इस बैठक में एक बड़ा फैसला लिया है। बैठक की अध्यक्षता कर रहे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रणवीर गिल ने ऐलान किया कि 22 जुलाई तक सरकार के किसी भी कार्यक्रम में अब सरपंच नहीं जाएंगे और पूर्ण रूप से बहिष्कार रहेगा। अगर 22 जुलाई तक हरियाणा सरकार सरपंच एसोसिएशन को बुलाकर उनके अधिकारों के बारे में बात नहीं करती है तो 25 जुलाई को हरियाणा सरपंच एसोसिएशन बड़े आंदोलन का ऐलान कर देगा। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष रणबीर गिल ने कहा कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरपंचों को बरगलाने के लिए 2 तारीख को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सरपंचों को कुछ पावर देने की घोषणा की जो प्रदेश के सरपंचों को मंजूर नहीं है क्योंकि उनमें बहुत सी खामियां बताई जा रही है। आज स्टेट की बैठक बुलाने का हमारा मुद्दा था
जो मौजूदा सरकार 17 महीने से हम लोग अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, सरकार अधिकार देने की बजाय बार बार पंचायतों के साथ एक भद्दा मजाक करने का काम कर रही है। जो 2 तारीख को लोगों ने घोषणाएं की थी भाई हम पंचायतों को ये पावर करेंगे वो पावर करेंगे, सरकार ने चुनाव के टाइम पे जुमला देने का काम किया है, जो सरकार ने लिमिट बढ़ाने का काम किया है और 50% की जो बाउंडेशन लगाई हुई है, हमारा कोई भी साथी पूरे हरियाणा की पंचायतें इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं है, क्योंकि बाउंडेशन जब तक रहेगी तब तक लिमिट का कोई महत्व ही नहीं है। जिस पंचायत की हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने स्थानीय पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने हिसार में 20 जुलाई को आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय दक्ष प्रजापति जयंती का न्योता दिया और इसको लेकर समाज के गणमान्य लोगों के साथ बैठक भी की। उन्होंने कहा कि महाराजा दक्ष प्रजापति की राज्य स्तरीय जयंती सरकारी तौर पर 20 जुलाई को हिसार में मनाई जाएगी। समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे और साथ ही इस दौरान कांग्रेस पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से भारतीय जनता पार्टी महापुरुषों की गुरु साहबानों की जयंतियां सरकारी स्तर पे मनाती है। हमने पहले भी पिछले दिनों गोहाना के अंदर कबीर जयंती मनाई थी, उससे पहले रविदास जयंती भी मनाई थी, वाल्मीकि जयंती भी, धनौरी के अंदर जैसे धन्ना जाट जयंती मनाने का काम किया। इसी कड़ी के अंदर आने वाली 20 तारीख को 20 जुलाई को हिसार के अंदर महाराजा दक्ष जयंती मनाई जा रही है। आज इसी का निमंत्रण देने के लिए मैं यहाँ सिरसा में पहुंचा हूँ, जिसमें मुख्य अतिथि आदरणीय नायब सैनी जी होंगे और ये पहली बार है कि दक्ष जयंती सरकारी स्तर पर मनाई। तो खबर कुरुक्षेत्र से है जहां मंडल थानेसर मंडलन ज्योतिसर मंडल और अभिमन्यु पुल मंडल द्वारा नवनिर्वाचित सांसद नवीन जिंदल का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। तो वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कुरुक्षेत्र से सांसद नवीन जिंदल मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता निकाय मंत्री सुभाष सुधा ने की। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष रवि बतान, सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष धूमन सिंह कीरमच सहित भाजपा जिला कार्यकारिणी के सदस्य और भाजपा के विभिन्न प्रकोष्ठों के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। तो वहीं हिसार के हांसी में स्थित सैनी हीरो मोटर्स के संचालक और जेजेपी पार्टी के नेता रविंद्र सिंह की बुधवार की शाम बाइक सवार 4 बदमाशों ने दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। बदमाशों द्वारा रविंद्र सैनी पर 4 राउंड फायर किए गए। 3 गोलियां रविंद्र सैनी को लगी तो वहीं गोली लगने के बाद गंभीर रूप से घायल रविंद्र सैनी को शोरूम पर काम करने वाले कर्मचारी सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो वहीं डीएसपी धीरज कुमार और शहर थाना प्रभारी जगजीत, सीआईए की टीम मौके पर पहुंची और सीआईए की टीम भी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। तो खबर सिरसा से है जहां उपायुक्त आर के सिंह नागरिकों की समस्याओं के निवारण में प्रदेश सरकार की समाधान शिविर पहल सार्थक सिद्ध हो रही है। सभी अधिकारियों की उपस्थिति में उपायुक्त आर के सिंह हर कार्य दिवस में समाधान शिविर में आम जनों की सुनवाई कर रहे हैं। बुधवार को भी समाधान शिविर लगाया गया जिसमें विभिन्न प्रकार की समस्याओं से संबंधित एप्लीकेशन आई और उपायुक्त आर के सिंह ने सभी पर गंभीरता से सुनवाई करते हुए अधिकारियों को समाधान के निर्देश भी दिए। तो खबर यमुनानगर से है जहां मुस्तफाबाद में रेलवे स्टेशन पर पैसेंजर ट्रेन के ठहराव की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने रेलवे प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। आपको बता दें कि 15 जुलाई को ग्रामीण और किसानों की मीटिंग के बाद रेलवे ट्रैक को अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर दिया जाएगा। जब तक पैसेंजर ट्रेन के ठहराव की मांग को पूरा नहीं किया जाता, किसान और ग्रामीण रेलवे ट्रैक नहीं खोलने की
बात कर रहे हैं। रेल विभाग उसके ठहराव की मांग लंबे समय से मुस्तफाबाद रेलवे स्टेशन पर तकरीबन। तो वहीं गुरुग्राम और दिल्ली दौरे पर निकले हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने विश्व विजेता टीम इंडिया के सदस्य युजवेंद्र चहल से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने चहल को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। साथ ही बता दें कि टीम इंडिया ने बारबाडोस में 29 जून को दक्षिण अफ्रीका को हराकर T20 विश्व कप पर अपना कब्जा जमाया। हरियाणा से ताल्लुक रखने वाले युजवेंद्र चहल 15 सदस्यीय भारतीय टीम का हिस्सा थे, जिसके चलते उन्हें हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने सम्मानित किया। इस दौरान मौके पर चहल का परिवार भी उनके साथ मौजूद था। तो आपको बता दें कि टीम इंडिया विश्व विजेता बनी थी और इस टीम में युजवेंद्र चहल भी हिस्सा थे और हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने उनसे मुलाकात की, उन्हें सम्मानित भी किया और साथ ही स्मृति चिन्ह भी दिया। इस मौके पर युजवेंद्र चहल के परिवार जन भी मौजूद थे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सीएम नायब सिंह सैनी ने कैसे युजवेंद्र चहल से मुलाकात की, उन्हें स्मृति चिन्ह दिया और साथ ही ये हरियाणा के लिए काफी गौरव का पल था कि हरियाणा की ओर से एक खिलाड़ी विश्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिलहाल इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम हरियाणा पंजाब में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों को देखते रहें इंडिया वॉइस। धन्यवाद।